आज आपका शो ये जी अभी अभी तो शुरू है लेकिन काफी ज्यादा यहाँ पे लाइक लोग फिर रहे हैं तो थैंक यू। अब तो हम लोगों ने थोड़ा डिफरेंट प्रोडक्ट्स में काम शुरू कर दिया, डाइवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं, फैशन फॉरवर्ड की तरफ जो है ना हमारी अप्रोच है। बिल्कुल। तो मेरा जो बुनियादी क्वेश्चन है वो ये है कि पाकिस्तान की शाहपुर के एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाया और क्या हो सकता है इसमें नए के मुताबिक, नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक, क्या अगर आपका टेक्नोलॉजिस्ट है आप इसमें बड़ी एक्टिव है तो बताइए इसमें कैसे कर। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि हमें खुद जो है वो कुछ चेंजेस लाने की जरूरत, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स इनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जितना भी देखा ग्लोबलाइजेशन दुनिया में इतनी ज़्यादा हो चुकी है, तरह अब ये जूता है ना हम अभी वहाँ तक सोच भी नहीं सकते जहाँ पे बांग्लादेश या वियतनाम या चाइना पहुँच भी चुके हैं। ये हमारी सबसे पहले आई वुड से कि कुछ भी करने से पहले हमें ये करने की ज़रूरत है, जब ग्राहक के पास जाए तो इतना स्ट्रांग होकर जाए कि वो ना ना कर सके और कुछ बोलने की भी ना जरूरत पड़े, प्रोडक्ट उनके सामने जाके रखें, सबसे पहले ये है। अच्छा एक चीज़ है कि यहाँ पर हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ना हर माह जो है ना अच्छी खासी तादाद है नए स्टार्टअप्स की जो एक्सपोर्ट में आना चाहिए, जो उनको मसला ये है कि उनको कस्टमर नहीं मिलता, तो इसका हल क्या बताएंगे? आपके पास माशाल्लाह अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो किस तरह से अपने वो कस्टमर की दो चार चीज़ें। सबसे पहले तो जब नया एक बंदा जाता है कोई भी कंपनी स्टार्ट करता है तो सबसे पहले तो उसके लिए ज़रूरी प्रोडक्ट नॉलेज, उसको पहले अपनी प्रोडक्ट्स पे सारी ए टू जी उसकी इच्छी बिच्छी जिसको कहते हैं ना वो पता होना ज़रूरी है। सेकंड स्टेप आती है कि उसको अपने खुद ही बिजनेस की करनी होती है कि बी टू बी की साइड पे जाना है या बी टू सी की तरफ जाना है, बिकॉज दोनों की अप्रोचेस जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। बी टू सी के लिए आप कुछ और अप्रोचेस इस्तेमाल करते हो, बी टू बी के लिए अलग। अगर बी टू बी की तो मैं कहूँगी लिंक्डइन एक बहुत अच्छा टूल है, उसके लिए पहले आपको अपनी डिजिटाइजेशन जो है वो प्रॉपरली करनी है, अपनी प्रोडक्ट फोटोग्राफी से लेकर वेबसाइट डेवलपमेंट से लेकर कैटल लॉग से लेकर डेटाबेस तक, ये वाला सारा एरिया कवर करके तो फिर आप लिंक्डइन को लेवरेज करके और गूगल को लेवरेज करके तो आप वहाँ से क्लाइंट्स ढूंढ सकते हैं। इसी जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का आता है, जो हम लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि ग्राहक को दोबारा आपको समझाना ना पड़े, आपको पहली मरतबा में उसकी बात समझ। अगर हम बात करें बी टू सी की साइड की, उसकी अगेन बिल्कुल ही डिफरेंट अप्रोच आ जाती है। उसके लिए हमारे पास जो अवेलेबल टूल्स हैं, अली बाबा हो गया, ये अमेजोन हो गया, अपना इवन अपना खुद का आप ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं जो आप बाहर भेजते हैं, अब उसमें भी लोग बहुत आगे अटक जाते हैं कि किस तरह से, क्योंकि शिपिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए प्रॉपर रिसर्च करें कि कहाँ का वेयर हाउस आपके लिए की नीड्स को फुलफिल कर सकता है। वेयर हाउसिंग के थ्रू अगर आप जाएँ तो शिपिंग कॉस्ट भी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। उसके अलावा ई कॉमर्स के बाकी दो तरीके हैं इसके, या तो अगर आप डायरेक्टली शिपिंग करें उसकी तो कॉस्ट ज्यादा आती है, दूसरा जो इसका मेथड होता है वो होता है कि आप वेयर हाउस ले लें। अब वो वेयर हाउस क्या थर्ड पार्टी से लेना है या डायरेक्टली लेना है, ऑब्वियसली डायरेक्टली लेंगे तो आपको कॉस्ट में जो है वो कमी आएगी, बेटर सर्विसेज भी मिलेंगी जब आप डायरेक्टली उनसे डील करेंगे, तो वो बेहतर है कि आप अगर वेयर हाउसिंग की तरफ जा रहे हो तो आप डायरेक्टली कंपनी के साथ लिंक्ड हो, तो फिर आप लोग जो है वो शुरू बिल्कुल आपको शुरू में सस्ता भी मिलेगा। एब्सोल्युटली बिल्कुल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको खुद ही जब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ना कि काम चल कैसे रहा है, तो फिर लोग पागल नहीं बना सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, जब आपको खुद को नॉलेज नहीं ना होती है तो 100 जबानें हैं, कौन सी जगह से चल। सर मैं यहाँ पे एक पॉइंट मैडम का जाना थोड़ा सा जाना उसको ऐड करना चाहूँगा, जो अली बाबा है बेसिकली ये बी टू बी प्लेटफॉर्म है। इवन यहाँ पे एंट्री के ऊपर एक माशाल्लाह बच्चा खड़ा हुआ था, ये 2 दिन पहले मेरे पास जो है ना ऑफिस में आया है, 2 किलो का जो है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है ना मिठाई का डिब्बा है। मैंने उनसे पूछा कि सर ये क्या है, कहते हैं कि जनाब ये मेरा बच्चा कामयाब हो गया, इसने अली बाबा का अकाउंट लिया था, मेरे बैंक अकाउंट में 100% पेमेंट इसकी शिपमेंट की 24 लाख रुपये की आई है, और वो कस्टमर कहाँ से मिला है वो अली बाबा से। सॉरी बी टू बी के लिए यस अली बाबा है, वो बेसिकली इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। वर्चुअली अगर आप यहाँ पे बैठ के जो
बिल्कुल एब्सोल्युटली नहीं, अली बाबा उस चीज में बहुत ज्यादा कामयाब भी जा रहा है, काफी काम कर रहे हैं लोग, पैसे देते हैं करते क्या है कि एक क्लास उन्होंने ये रखी है कि जो बच्चे आते हैं ना उनको कहते हैं आप फ्री सीख, आप अली बाबा का अकाउंट भी ना दें, और दूसरी क्लास उन्होंने वो वाली रखी है कि जो अली बाबा का अकाउंट खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, वो अली बाबा का अकाउंट खरीद देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप खरीद देती है और इसके बाद जो ना आपके पास टाइम नहीं है, आपने प्रोडक्शन देखनी है, आपके कस्टमर देखने हैं, वो वाले जो बच्चे जो तैयार हैं ना उन बच्चों में से आप कोई जो ना वो दे देते हैं, और ये सारा काम जो है उसके बारे में सर्विस जो ना वो प्रोवाइड भी कर रहे हैं और आपको जो ना ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, देखो एक कंपनी आपको एक बना के एक दे रही है जी, ये एक मैं समझ एक बहुत बड़ा काम है ये सर, ये मेरे पॉइंट है ये भी बहुत बड़ा कारोबार है, दुनिया का कोई भी कारोबार ऐसा नहीं है जिसके ऊपर आपको 70 गुना प्रॉफिट हो, और ये कारोबार बेसिकली लोगों को फ्री में सिखाने वाला ये ऐसा बिजनेस है जिसके ऊपर 70% प्रॉफिट है, अल्लाह ताला की जात का खुद कहना है, कहते हैं कि मेरे साथ बिजनेस करो मैं तुम्हें 70 गुना प्रॉफिट दूंगा, दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़े बादशाह जो है ना वो आपको जितना प्रॉफिट देगा आपको उसका यकीन भी नहीं होता, लेकिन अल्लाह की जात के ऊपर जो यकीन है वो पुख्ता होता है, और ये रियलिटी है, जिस वक्त आप अल्लाह के साथ कारोबार करते हैं उनके खलके खुदा के लिए आप उनको फ्री आपके पास माशाल्लाह जिस तरह से पिछले 11 साल से आप लगे हुए हैं जिस वक्त सर्व करते हैं, अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे ऐसे रस्ते निकालते हैं कि रियलिटी में बार दफा 70 क्या 700 गुना आपका जो ना इजाफा हो जाता है। कैसा चल रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, इस वक्त तो हमारे पास के लिए 4 offices टोटली बुक्ड हैं और उसके अलावा तकरीबन 50 जो है ना वो हमारे बच्चे बैठे हुए हैं। अच्छा चल रहा है, आप लक्ष्य काम कर रही है, मैं लक्ष्य काम कर रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे जो काम ये नहीं कर सकते वो आपसे बिल्कुल ऐसे ही मैं एग्री करती नहीं, अब बैठने में बात करते हैं सिस्टम जो है ना ये एक चाहिए बिल्कुल इसके ऊपर मैं काम करती हूं बिल्कुल, इंशाल्लाह कभी भी आप कॉल करें बैठ के कर लेंगे सवाल। थैंक यू वेरी मच, आपका अच्छा खासा टाइम दिया। नहीं नहीं बिल्कुल थैंक यू।